फिलहाल अभी जो पिकिंग करने वाले नहीं नहीं वो हमारे साथ काम नहीं करते हैं। और जब आप पहले ही बोले कि जो टॉप कलाकार है तो जो टॉप होगा वो निर्णय वही लेगा ना, हम कौन होते हैं निर्णय लेने वाले, हमको तो जो बोलेगा हम करेंगे। अगर सिनेमा हमारे दिल के करीब हुआ मुझे लगा कि करना चाहिए। एक चीज तो मैं हूँ, मैं थोड़ा इस मामले में उज्जड़ हूँ कि मैं हर चीज नहीं करना चाहता हूँ, जहाँ मैं जहाँ जो चीजें मुझे कन्विंसिंग नहीं लगे नहीं करता हूँ। तो और रही बात बड़े कलाकारों की, आपने सही सवाल पहली बार पूछ लिया है। ये तय करने वाले वो लोग हैं, निर्णायक वो लोग हैं, हम तो केवल एक करता है, आदेश मिलेगा तो ऊपर वाले का तो कर लेंगे, हटाते वो हैं, हटा वो सकते हैं, हम नहीं। हम तो एक केवल एक कलाकार है, वो रचयिता है, जो रचनाकार होते हैं वो शब्द मिटा सकते हैं, तो हम में एक छोटा सा शब्द है। तो हमसे ये पूछना गलत है, आप उन कलाकारों से कभी पूछिए, बड़े कलाकारों से। अवधेश जी, आपकी अवधेश जी, आपकी क्या आपकी छवि खराब हो चुकी है विलन का रोल करते करते, कि छवि को बनाने के लिए अब नए भूमिका में एंट्री किए हैं लॉकडाउन के पहले से ही, आप एज ए विलन फिल्में नहीं कर रहे हैं? अब दोष कोई दे किसे, निर्दोष से सब दिखने लगे। मतलब कि आपकी छवि वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो गई है क्या? नहीं, क्या है ना, ये मेरी आंतरिक बात है, आपने पूछ लिया सर। हम विलेन जो करते थे, अगर हम बाहर जाते थे तो भीड़ देखने के लिए भीड़ आती थी, लेकिन वो एक डिस्टेंस बना करके रहती थी। हमने मेरे रकम दुखी होगा और मेरे पे चप्पल भी चलाए गए, महिलाओं ने चप्पल भी चलाया, तो एक कलाकार के लिए वो पुरस्कार होता है, तो आशीर्वाद होता है, विशेष के लिए थोड़ा बहुत एक अपमान होता है। मैंने वक्त ने ऐसा करवट लिया कि फिर मेहंदी डाल के रखना करने की नौबत आई, और सोचा कि एक ही तरह के किरदार करते करते आईना देखता था तो शर्म आती थी कि मैं वही हूँ, इतना घटिया दिखने वाला। तो फिर आईना में अपनी छवि बदलने की कोशिश की, चरित्र अभिनेता बना, और धीरे धीरे उस चरित्र अभिनेता को ही लोगों ने सेंट्रल कैरेक्टर बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मेरे लिए केवल अपनी जिंदगी में, वो भी मेरे लिए नहीं, हम कलाकारों के लिए सिनेमा में मैं बदलाव के लिए जुगनू और बाबुल बनाया, और ईश्वर ने ऐसे ऐसे अवतरित पुरुष दे दिए हैं, बनाते रहेंगे। हमारे बहुत सारे संजीदा निर्देशक हैं अभी जो इस तरह के कथानक पे फिल्म बना रहे हैं। अभी बॉबी सिंह जी ने भी बनाया मेरे पापा, निरंजनधीर ने बनाया एक तीसरी खुशी, तो ऐसे लोगों को तो सैल्यूट करूंगा कि बिलीव कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा अब व्यावसायिक स्तर पर चैनल बिलीव कर रही है। ये तभी कोई बना ही नहीं सकता है जब चैनल न बनाए, चैनल पैसा ही नहीं देगा, क्योंकि चैनल ही एक माध्यम है। अब म्यूजिक कंपनी वर्ल्ड वाइड हो चाहे ऐसी फिल्म्स हो इस तरह की, तो ये लोग बहुत उत्साहना दे रहे हैं, चीजें बन रही है, नहीं तो नहीं बनती। थैंक यू सर। थैंक यू।